मेरा नाम प्रणवीर सिंह सोलंकी है, मैं लक्षिका सोलंकी का ब्रदर हूँ। मेरी सिस्टर की स्पाइन की सर्जरी थी, इसको स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम थी। हमने इसको पहले जयपुर में दिखाया था, देन फिर हमें किसी ने अपोलो हॉस्पिटल मिस्टर डॉक्टर रावल को सजेस्ट किया, देन फिर हमने उनसे टॉक की, उसके बाद हमने यहाँ पर इसकी सर्जरी करवाई है और अभी ये परफेक्ट है। स्टाफ मेंबर, नर्सिंग स्टेशंस मेंबर सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। डॉक्टर सौरभ रावल बहुत कोऑपरेटिव डॉक्टर हैं और काफ़ी वेल है मेरी सिस्टर। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ रावल है। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। आज हमारी एक पेशेंट लक्षिका के बारे में बात करेंगे, जो कि 17 साल की बच्ची है, जो कि कोटा राजस्थान से हमारे पास स्कोलियोसिस या कुबड़ापन नामक परेशानी के साथ के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आई थी। सो स्कोलियोसिस एक ऐसी परेशानी है जो ज़्यादातर यंग लड़कियों में होती है। जब उनकी लंबाई बढ़ती है तो साथ में स्पाइन जो है वो सीधी ना होकर एक तरफ को टेढ़ी हो जाती है, जिसके वजह से बच्चे को कुबड़ापन का रूप आ जाता है। बट लक्षिका की सर्जरी हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में करी। ये सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल रही, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहा। सर्जरी के दौरान हमने काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि न्यूरो मॉनिटरिंग, सीआम सिस्टम, पेडिकल स्क्रू सिस्टम का इस्तेमाल करा, जिससे कि काफ़ी अच्छा करेक्शन हम लोग दे पाए और ओवरऑल लक्षिका का जो पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरे है, जो देखने में उसके जो टेढ़ापन था, कुबड़ापन था, वो बहुत ही अच्छे से करेक्ट हो पाया। तो इस तरह की सर्जरीज आजकल करना बहुत आसानी से संभव है, जिसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो सब हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है और इस तरह की सर्जरीज हम लोग काफ़ी कॉमनली करते रहते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ में करते रहते हैं। तो यदि और भी कोई आपका इसके विषय में कोई सवाल हो या क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते।